फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में इंसर्ट क्वेरी के बारे में बताया था, तो फ्रेंड्स आज के इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको डिलीट क्वेरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट स्लैश लगा के डिलीट क्वेरी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लूंगा इस टाइप से, और उसके बाद मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर क्वेरी चेंज कर दूंगा। किस टाइप से, मैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूं। तो पहले मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो कि टी था, यानी ये टी था पिछली ट्यूटोरियल्स में हमारे, इसको जस्ट मैं यहां से बंद कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। वेयर, ठीक है फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स अगर मैं वेयर क्लोज नहीं दूंगा तो ये पूरा डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको सबको डिलीट कर देगा, तो मैं वेयर क्लोज देता हूं। वेयर वेयर ईमेल इक्वल टू, हमने ईमेल क्या इंसर्ट किया था फ्रेंड्स, ये इंसर्ट किया था, यानी इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ डेटाबेस अपना। देखिए फ्रेंड्स ये था, मैं आपको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये था अभी तक, ये है, यानी एक ही डेटा है, ईमेल हमने सेम ही है दिए। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको जस्ट यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टेबल में कुछ नहीं है, यानी डेटाबेस में से डेटा डिलीट होगा। तो ये होता है फ्रेंड्स डिलीट क्वेरी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स मेरे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आपका धन्यवाद, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आपको मेरे रिसेंटली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।